समस्त को बाणिक चैनल को स्वागतम। बड़ सुजोग आसी सारी रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ रु अंडर मिनिस्ट्री रेलवेज रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स दैट इज एसआई आरआरबी एसआई यू कैन से रिक्रुटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर पिला माने समस्ते एई डेट को मन रखिनंतु 15/4/2024 रु स्टार्ट हबो ऑलरेडी हे सारी छि आ हम पखरे मात्र गोटे मास रु बी कम दिन दिया जाउ छि अप्लाई करिया पई एथरो करो नुवा जिंसो ए ही मॉडिफाई हे छि जेहेतु कोविड रो सिचुएशन रे बहुत पिलांकर एज सेय समय रे जेहेतु रिक्रूटमेंट हेई पारि नथिला एज को एक्सटेंड करा दे छि 3 वर्ष आउ डिटेल समय जानिबो किंतु ई नंबर ऊपर फोकस कर दियंतु 452 वैकेंसीज फ्रेंड्स 452 इज नॉट अ स्मॉल नंबर इंडिविजुअल देखिले गोटे मात्र पोस्ट दरकार समस्त को बट 452 इज नॉट अ स्मॉल नंबर एज पर एज वैकेंसीज इज कंसर्न्ड सो बाकी डिटेल्स हमें देखियो आगो को जीवो डेट कथा मु कोई सर्ची ओपनिंग डेट हेई सर्ची पिला माने आउ जो माने भी अप्लाई करिया पई चाहौचंती से माने शेष डेट पर्यंत केबे भी वेट करबेनी जे कोन से रिक्रूटमेंट रो स्टार्ट हो स्टार्टिंग रो ही एप्लीकेशन माने अप्लाई करी दवा कथा शेष बळ को साइट रो प्रॉब्लम सब जनरेट हुए जनरली सो अप्लाई करिवार अछि तो अप्लाई कर देबे सेई कथा लास्ट आड़ को रखिबेनी डोंट डू इट टुमरो सो आराम से अप्लाई करिवे स्टार्टिंग रो पेज रो कोनोसी प्रॉब्लम न थाए सो ए डेट को मन रखिया पे हम कहू छी स्टार्ट हे सारी छी जते जल्दी अप्लाई कर दियंतु क्लोजिंग डेट देखि दियंतु 14/5 माने मे मास 14 तारीख रे समाप्त होइ जो ई एप्लीकेशन मॉडिफाई करिवार बी डेट दिया जाउ छी 24/5 माने औरी 10 दिन अपन को सुविधा दिया जाउ छी जदि कोनोसी भूल अछि ताले 10 दिन अपन को एक्स्ट्रा मिलिबो मॉडिफाई करिया पई बट 18 नोट कोन लिखा दे देख लियंतु डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म कैन नॉट बी मॉडिफाइड ता माने किछ बेसिक जिंस अछि जोटा कि मॉडिफाई हे परिबोनी जदि गोटे यूजर आईडी क्रिएट हे जाय छी से यूजर आईडी को आउट एडिट करा जाय परिबोनी पूरा फ्रेश अप्लाई करि हो जदि अपन टाइम फ्रेम भीतर अछंती किंतु पर्टिकुलर गोटे यूजर को चेंज करा जाय परिबोनी ता भीतर थिबा डाटा को चेंज करा जाय परिबे पोस्ट ना अछि सब इंस्पेक्टर लेवल 6 35,400 इनिशियल पे ता सहित समस्त अलाउंसेस से सब ऐड हो बो तारो डिटेल समय परे देखिले जाना पड़ेगो मेडिकल स्टैंडर्ड B1 एस ए एस 1/7/2024 सुधा इतनी की होबा दरकार तास हुई तो रिलैक्सेशन भी हमें आगे को पड़ेगा बट ए टा होची गुटे बेसिक एज क्राइटेरिया वैकेंसी सोची 452 दिस इज इन डिटेल्स हमें आगे को जीबा इटा ब्रीफिंग थिला सब कुछ इम्पोर्टेंट दिख थिला ये पेज रे कि 15 तारीख रे हमरो स्टार्ट हे सारी छि पिला माने आज 18 तारीख हे सारी छि जते जल्दी हो अप्लाई कर दियंतु बहुत ही बढ़िया आ बहुत ही माने एटा बहुत पिलांकर गुटे माने इंटेंशन थाई कि से माने कर एई सब पोस्ट जो माने पुलिस डिफेंस लाइन रो पिला माने जो माने अछंती से माने एई सब पोस्ट में बहुत ही माने एंग्जियसली वेट करी थांते से दिन आसी सारी छि पिला माने समस्त रेडी हे जंतु ता सहित आगो को आउ कोन डिटेल्स अछि देखबा एज लिमिट विषय रे कोन दिया जाय छि एज लिमिट विषय रे 1/7/2024 सुधा 20 रु 25 वर्ष पर्यंत हे जेतिबो एज पर एज नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड एज एज एप्लीकेशन टू सेंट्रल दैट इज सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस एई माने पेज नुवा करी जोटा आसी छि सेइटा एई एज सुधा आउ 3 वर्ष देखंतु पिला माने एक्सटेंड करा जाय छि ए डेट सुधा जदि कोनोसी एज से एक्सिड करि जाउ छि 25 रो एज को एक्सिड करि जाउ छि ताले से 28 वर्ष पर्यंत रिलैक्सेशन नै पारिबो त माने से एलिजिबिलिटी मेंटेन करि छि अप्लाई करि परिबो त माने सेई कथा एटी डिटेल्स लेखा जाय छि टू प्रोवाइड रिलीफ टू मेनी कैंडिडेट्स हु मे हैव एक्सिड्स द एज लिमिट एंड मिस द अपॉर्चुनिटी पार्टिसिपेट इन रेलवे रिक्रूटमेंट ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक it has been decided to grant a one time that is friends one time age relaxation of 3 years beyond the prescribed upper age limit for the post of sub inspector ta mane ei post pai amaku 3 barsha ro age relaxation extra miluchi kintu seta one time hi ta mane multiple purpose re seta use kara jai pariboni kebal gotai thara hi se use kari paribe
एज रिलैक्सेशन इन ऑफर मैक्सिमम एज फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज कम्युनिटीज इन द टेबल बिलो आर एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू सबमिशन रिक्विजाइट सर्टिफिकेट ता माने ऑफ कोर्स जदी से कोनोसी एज को सरपास करूची तार एविडेंस से ताको दबाकु पड़िबो कि से एज सरपास करिछ बोली एनीवेज बहुत इंपोर्टेंट जिनस एतरे ए पेज रे मोया कहबी जे से 3 वर्ष एक्स्ट्रा पाउची जदी से 25 वर्ष क्रॉस करी जाइछि देन 28 वर्ष मध्ये रे बी से रिक्रूटमेंट को अप्लाई करि पारि देखिबा आगो को जीवा आ कोन हमको इन्फॉर्मेशन मिलुछि पिला माने देखी पारियो एटी सब नॉर्मल इनफॉरमेशन ही दिया जाय छी एससी एसटी कैंडिडेट को पई 5 वर्ष रिलैक्सेशन तापर ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर्स कैंडिडेट्स पई 3 वर्ष ये सब जोड़ा अछि स्पेशल केसेस अछि जनरली जोटा यूज हुए नी ये दैटा को ध्यान रखियो समस्ते हां एडी 4 नंबर बेच फीमेल कैंडिडेट्स हु आर विडो डिवोर्स जुडिशियरी सेपरेटेड फ्रॉम हस्बैंड बट नॉट रिमैरिड दिस इज आल्सो ए स्पेशल केस ए माने हमकू निहाती जो माने ए पर्टिकुलर ग्रुप रास्तुवे सेवन तंगु देखों तो से सब पॉइंट को बट आमे जो माने जनरली जो माने इतर आसी जाउ छन से माने एससी एसटी कैंडिडेट्स जदि हेतांते ताले 5 वर्ष रे एज रिलैक्सेशन ता सहित कोरोना पेंडेमिक पाई से माने आउर 3 वर्ष एक्स्ट्रा ता माने एई जो जिंसटी हमको भुआ मिलुची एथर रिक्रूटमेंट रे आगो को जीवा कोन पेज रे हमको मिलुची इन्फॉर्मेशन असंदा पेज रे हमको मिलला सेम जिनसो डेट एई सुधा जदि अपर एज लिमिट डेट ऑफ बर्थ नॉट अर्लियर देन एई सब कैटेगरीज लिखा जाय छी एई डेट सुधा पूर्वर न होइतबा दरकार लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन ता माने आपको सरपास करि नथिबो आरि भितरे ही से मानकर डेट ऑफ बर्थ आसीबा दरकार सही कथा को इनडायरेक्ट वे रे हम को प्रेस्क्राइब डेट दिया जाय छी दा जा भितरे डेट ऑफ बर्थ क्वालीफाई होबा दरकार Here it is fee. Fee रे देखों तो इटा introduce करा दी ची कि से 500 टंका दे apply तो करी बोही ताप परे जदी से appear करू ची CBT exam computer based test हो बोई टी जदी से apply करी कि appear करू ची exam ताले 400 रुपीस तारो account को after deducting all those bank charges ताको refund मिली जीवो सब कैंडिडेट मान को पाई एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशनड इन बिलो सीरियल नंबर 2 एटा ला सीरियल नंबर 2 एई मान को छाडी बाकी जो माने रहिले से माने 500 टंकर फी दे अप्लाई करिवे तास परे जदी से एग्जाम अपीयर करूचे ताल रिफंड पाइबो ता माने एटी कोड ना कोड जणा पडुचे कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हमो को माने प्रमोट करूची एग्जाम दवा पाई समस्त एग्जाम जो माने एलिजिबिलिटी अछि जो माने फिजिकली फिट अछंती से माने एई एग्जाम को अपीयर करिया पई प्रमोशन मिलुचे आउ किछ नै एतुर जणा पडुचि नै तो रिफंड बहुत ही कम आइदर टोटल नियंतिनी नै तो पैसा निया जाय एग्जामिनेशन पई नै कि पुन रिफंड दबार माने होउचि से प्रमोट करचंदि एग्जाम दवा एनीवेज बाकी जो माने रही गेले से माने एई कैटेगरी अछंदि एससी एसटी एक्स सर्विसमैन फीमेल माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास एमारे जो माने रही गेले से माने 250 टका दे अप्लाई करिवे आउ देखि परिवे समस्त पैसा रिफंड हो किंतु बैंक चार्जेस एप्लीकेबल जा भी हो तो एथरे हमकु नुवा जिंस कोन जानिया को मिलला कि रिफंड अछि पैसा रिफंड हे परिवो तने पुरी अप्लाई करिवार कोनसे असुविधा न होबा दरकार मात्र 100 टका आउ जदि ए कैटेगरी रे आछन्थि ताले फ्री ऑफ कॉस्ट अपन एग्जाम दवा पई एलिजिबल अछन्थि बोली कहजो ओके नेक्स्ट पेज रे हमकु मिलला सब इंस्पेक्टर मेल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होइबो एथरे पिले जो एग्जाम रो स्टेज अछि सेटा प्रथमे आपन को रिटेन टेस्ट सीबीटी मार्फत रे ता परे आपन को सीबीटी ता परे फिजिकल टेस्ट ए सब रहबो ता परे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ता परे मेडिकल मेडिकल टेस्ट ए समस्त स्टेजेस गुडा को रहबो सो ता भीतर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो डेटा रहिले से डेटा हम सामने रे अछि कैटेगरी सब इंस्पेक्टर जदि मेल एतांती ताले 1600 मीटर रन 6 मिनट 30 सेकंड रे पिलाने मु आप पई एया ही अपन को मेसेज दे परबी कि जदी दौड़ा दौड़ी प्रैक्टिस नाही ताले एटा बिल्कुल डिफिकल्ट टास्क अछि देखा जाय बहुत ही सहज 6 मिनट 30 सेकंड रे 1600 मीटर रन बहुत ही सहज देखा जाउथवा जिंस किंतु एक्चुअल रे क्वालीफाई करबाटा डिफिकल्ट तेंनु करी जो माने एई पर्टिकुलर पोस्ट पई इंटरेस्टेड अछंती से माने आसंता काली ठरु एग्जाम अप्लाई करी थाउ किंबा न करी थाउ आसंता काली ठरु सामान्य रनिंग स्टार्ट कर दबा उचित फिजिकली जदि फिट नाहंती ताले एई पोस्ट पई से माने प्रमोट भी करू नांदी
लिखी देखते अलरेडी नोटिफिकेशन रे कि दोज हु आर मेडिकली अनफिट दे आर नॉट एलिजिबल तेणुक आम मेडिकली फिट अच्छु कि ना केवल यही सब एक्टिविट हमको दर्शे 800 मीटर रन कहाँ रखाई ना फीमेल कैटेगरी चार मिनिट रे 800 मीटर रन को क्वालिफाई करा पड़ो जो मैंने फीमेल कैटेगरी अच्छा लंग जम्प 12 फुट 9 फुट अच्छी फीमेल मानक मेल मानक अच्छी 12 फुट हाई जम्प 3 फिट 9 इंच एंड 3 फिट अकॉर्डिंगली आप देखिपे सब क्लीयरली मेनसन कर सब लिखा जाइए हाइट आम जेनराली दिटा ही मुझे जनाऊँ बाकी सब जाक स्पेशल केसेस अच्छी आप जो पिलामाने अच्छा से सब पर्टिकुलर ग्रुप को जाइए देखिए आम जो मैंने जेनराली जो मैंने दुईटा कैटेगरी को जो मैंने टच कर तारी एक्सप्लेनेशन दिखाई बाकी डिटेल्स पूरा इनफर्मेशन को पढ़े आगे हाइट 165 फॉर मेल 157 फॉर फीमेल जदि से अनरिजर्व इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो मन रहिले देन जो मैंने ओबीसी कैटेगरी रहिले से समस्ते जदि मेल ही तांती ताले 165 सेंटीमीटर जदि हाइट अच्छी ताले से मैंने एलिजिबल फीमेल जदि अच्छी 157 सो चेस्ट और साइज देख अनएक्सपैंडेड 80 एक्सपैंडेड 85 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर ए माने समस्त सेंटीमीटर थांती इन केस ऑफ एससी एसटी अकॉर्डिंगली साइज अपन देखि पारि तो जना पड़ला ए थ्रू कि हमको फिजिकली ए पेज रु कोन जना पड़ला पिला माने हमको फिजिकली फिट रहिबा को पड़िबो काई कि ना एटा कोटी ना कोटी कोटा फोर्स बने पय प्लान हे छि सो फोर्स रे आपण जदि अनफिट थिबे ताले कोनोसी प्रकार आपणकर स्थान नाही तेणुकरी फिजिकली फिट रहिया पई जहा आवश्यकता अछि से सब आपण स्टार्ट करि नियंतु जदि एई सब एग्जाम पई आपण इंटरेस्टेड अछंती तो नेक्स्ट पेज को जीवा देखियो आपण दिछ ये समस्त वेबसाइट दिया जाय छि जो पर्टिकुलर स्टेट रो आपण अप्लाई करिया पई चाहौछंती से पर्टिकुलर स्टेट सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ओडिसा ओडिसा पई जोटा अछि से भुवनेश्वर तमार एटी साइट को अप्लाई करेंगे बाकी जो माने जो जो स्टेट सपोज गोटे पोस्ट अधिक अच्छी कम अच्छी से सब जब अप्लाई करने चाहिए अप्लाई करेंगे कि गोटे जोटा गोटे जोन अप्लाई करेंगे सब जोन रे मल्टीपल जोन रे अप्लाई करा जाए पारिबो ना यूजर आईडी गोटे ही क्रिएट हो तेणुक rrbbbs.gov.in रे जाकि बाकी समस्त यूजर आईडी क्रिएट कर वेबसाइट को इंस्ट्रक्शन मिले तो ये पेज रुक शिक्षा मिलला इनफर्मेशन मिलला कि वेबसाइट कौन अच्छी नेक्स्ट पेज सीबीटी रो फॉर्मेट कौन रहे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रो फॉर्मेट कौन रहे पैटर्न सिलेबस कौन रहे टोटल ड्यूरेशन 90 मिनट्स टोटल क्वेश्चन 120 मिनट्स स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम विल बी ग्रेजुएशन लेवल किंतु एक्चुअल ग्रेजुएशन लेवल नुहे 10th लेवल रो क्वेश्चन पड़े बिल्कुल ग्रेजुएशन नुहे एक भूल मु निश्चित भाव में कहि कारण एत सहज क्वेश्चन पड़ो आप इमेजिन भी करेंगे किंतु प्रैक्टिस यदि नईटा ही केवल लगे ग्रेजुएशन बेसिस कैंडिडेट शैल बी अवार्डेड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर नो मार्क शैल बी अवार्डेड फॉर डिडक्टेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड जदि आप अटेम्प्ट न नहीं किसी असुविधा ना किंतु एक नंबर तीन नंबर ना दुई नंबर और तीन नंबर भितर डिफरेंस देखो जदि आप अटेम्प्ट न नहीं कौनसी असुविधा ना जदि अटेम्प्ट नहीं कि ठीक कर एक मार्क आपको दिज्वे जदि अटेम्प्ट नहीं कि भूल कर 1/3 मार्क आप प्रत्येक रंग आंसर पेनल्टी ने मैंने कौन कह नो गेसिंग नो गेस जहां आप पाठ जानते से आंसर देवे गेस करने कौन प्रकार आपन को प्रमोट कराठ जाना दरकार बोली थ्रू जाना को मिले नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट एटा नॉर्मलाइजेशन रो जो माने कैलकुलेशन टा सेटा कोनोसी संस्थान क्लियर करू नाहंती दैट मे बी आईबीपीएस दैट मे बी एसबीआई दैट मे बी एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन दोज हु आर कंडक्टेड एग्जाम्स से माने कोनोसी प्रकार ए सब को क्लारिफिकेशन दौ नाहंती तेणुकरी आम केवल जानवा जे जदि अलग अलग शिफ्ट आपसी सेगमेंट को डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलला सो डोंट बी पैनिक से सब सहज क्वेश्चन सहित कंपेयर करा जाए कि ही स्कोरिंग दिया दिज्व तेणुक आपन को किसी असुविधा ना जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पड़ा यहाँ से ही समय डेवलप हो प्रॉब्लम टाइम आरइज हो जो समय सिफ्टिंग एग्जाम
सो किसी क्वेश्चन टफ हो गले किसी क्वेश्चन इजी हो गले किसी क्वेश्चन को पिला टोटली अटेम्प्ट नहीं पारले सब जो मान मिसलेबल्ड रही है मान डिस्क्रिमिनेशन आसला से नॉर्मलाइजेशन से माने ऐड कर सो एनीवेज मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी एंड अनरिजर्व इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ओबीसी नेशनल क्रिमिनल जो मन रहले 35% एससी एसटी पे 30% ता माने टोटल ये समस्ते 30% रखिले क्वालिफाई करिवे ये समस्ते 30% रखिले क्वालिफाई बट पूरी जानवा दरकार 120 हूँ टोटल मार्क्स प्रत्येक मार्क्स एक मार्क लेखा तो मैंने टोटल स्कोर ये 120 नेगेटिव मार्क्स जेहतु अच्छी जिनसे आउ टिके डिफिकल्ट ही जाए द मार्क्स स्कोर सीबीटी शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस ता माने एटा से तांकर रिजर्व कॉपीराइट्स रिजर्व ता माने 30% 35% 30% आरो क्लैरिटी नहीं आपको केबे भी ये बुझे नहीं जब 120 × 30% ता माने ये समस्त जाए कि 36 रखिले आपण पास हो जाए यही जो जिन कैलकुलेशन टा पिला को बहुत कन्फ्यूज करा एटा केबे भी गोटे बेसिक स्कोर नुहे क्वालिफाई करिया पई आपको ध्यान रे रखी प्रैक्टिस करिवे नाही सब बेले मन रखिवे जदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोउचंती ताले 90% रो एक्यूरेसी मेंटेन करिवे 90% 90 to 95% एक्यूरेसी आउ 70 to 80% रो अटेम्प्ट जदि एतिकी करिले ताले आपण कोडी ना कोडी एग्जाम रो शॉर्टलिस्टेड भीतर अछन किंतु सेमाने जोटा दिखते तार कैलकुलेशन आउरी डेप्थ है तार कैलकुलेशन जना पड़े नी कौनसी प्रकार गोटे पिला जो चैलेंज करके जाए कि सर मु 36 रखी आउ क्वालिफाई करी ताले मत लगुनी कहीं चैलेंज एक्सेप्टेबल एनीवेज सिलेबस फॉर सीबीटी हमें देखिबा क्वेश्चन कौन आसो पैटर्न से माने कौन देखते एट देख एरिथमेटिक 35 मार्क्स रो क्वेश्चन आसो पिला जो सब टॉपिक लिखाई नंबर सिस्टम होल नंबर्स डेसिमल फ्रैक्शन रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स फंडामेंटल एरिथमेटिकल ऑपरेशन परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन एवरेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स मेंसुरेशन टाइम एंड डिस्टेंस एटसेट्रा लिखाई भितर आज जहां रहीगले वर्ड प्रॉब्लम जो सब टॉपिक रहीगले बूट एंड स्ट्रीम दैट कैन बी देन टाइम स्पीड डिस्टेंस को भी लिखा जाए टाइम स्पीड डिस्टेंस लिखा जाए बाकी जो मन समस्त रही गले जो सब टॉपिक से समस्त टॉपिक आ भीतर आसी पारे से माने एटसेट्रा लिखी की बड़ो ही कंफ्यूज कर दे छन तण करी एतिक तो बेसिक हम को जानि को पड़िबो ता परे भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी हेई पारे तण करी 10th परे हमें जो भी सब एरिथमेटिक सब टॉपिक्स रहिले एनसीईआरटी रो जो सब एरिथमेटिक सीबीएसई रो बोर्ड रो हमर जो सब वर्ड प्रॉब्लम रो टॉपिक रहिले से समस्त टॉपिक सब बड़े इंपोर्टेंट ही रहबो तेणुक सब क्लैरिटी रखुवे निज सांगरे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग ये समस्त क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी टेस्ट सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस माने ऑड मैन आउट स्पेटियल विजुअलाइजेशन माने नॉन वर्बल सेगमेंट रो क्वेश्चन ओरिएंटेशन माने नॉन वर्बल प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस जजमेंट डिसीजन मेकिंग विजुअल मेमोरी डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स एरिथमेटिकल रीजनिंग वर्बल फिगर क्लासिफिकेशन arithmetical number series non verbal series coding decoding statement conclusion syllogs reasoning etc etc re pila mane aur roi gele blood relation inequalities roi gele direction roi gele ranking roi gele ye samast hochundi bahut hi common patterns for this kind of exams tenu kori jo sabu topic amara ssc pai nu short re koi paribi ssc pai jo sabu topic rahi chanti से समस्त टॉपिक को जदि आपण क्लियर करचोंती ताले रीजनिंग रे बहुत ही बढ़िया स्कोर आपण रखि परिवे जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन विल बी एंटर टेस्टिंग कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस एनवायरमेंटल अराउंड हिम और हर एप्लीकेशन सोसाइटी टेस्ट ऑफ नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स करंट अफेयर्स असिबो एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एक्सपीरियंसेस मे बी एक्सपेक्टेड एन एजुकेटेड पर्सन द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री आर्ट कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जनरल पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पोर्ट्स जनरल साइंस एटसेट्रा ता माने कथाटा या जे करंट अफेयर्स प्लस पास्ट अफेयर्स प्लस जनरल स्टडीज ए समस्त मिसी जिवे ता परे जे की ए पार्ट टा क्लियर जहां में एसएससी पे करछो बिल्कुल सो तनु करी ए थ्रू हमें पैटर्न जान ले ई पेज रे हमको पैटर्न्स जणा पड़ला कि कोन कोन टॉपिक्स आसीबो आउ तीनटा सब्जेक्ट रो क्वेश्चन
आउ इतरे इंग्लिश देखिबे इंग्लिश इतरे नाही पिला माने तीनटा सब्जेक्ट रो एग्जाम होबो ता माने गुटे राहत मु कहि परबि जे इंग्लिश अपनकर नाही एथे स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट ये सब एब्रिविएशन उडा दे दे छी आकु पढि के किछ समय नष्ट करिवार आवश्यकता नाही पिला माने सो मु आउ थरे फास्ट पेस को जीवा पई चाहिबी आउ अपन को जणया पई चाहिबी कि आमे निश्चित हबरे जो कथा कहतली मु एटा हला प्रथम इम्पोर्टेंट जिनस कि ऑलरेडी डेट स्टार्ट हो जाए समस्त अप्लाई कर दिंतु आ भितरे ता पर सब बड़ इनफॉरमेशन कि फिजिकली फिट रहिबा दरकार फिजिकली फिट रहिबा दरकार ता सहित आपन को जो सब्जेक्ट रहिले तीनटा रीजनिंग ऑप्टी एंड अरिथमेटिक दैट इज रीजनिंग अरिथमेटिक एंड जीएस ये तीनटा सब्जेक्ट रहिबा समस्त टॉपिक को एज मच एज पॉसिबल हमें क्लैरिटी रखा दरकार किंतु आदरा जानिबा दरकार कि एते डिफिकल्ट क्वेश्चन आसीबोनी बहुत ही सहज क्वेश्चन आसे आउ प्रीवियस पेपर भी आपण चेक करि परिबे ये समस्त क्वेश्चन बहुत ही कम लेवल रो माने एसएससी थारु बहुत ही लो लेवल रो क्वेश्चन आसीबो सेतर कट ऑफ अधिक जाय सो मिनिमम कट ऑफ जोटा लिखाय छि 35% और 30% डोंट ट्रस्ट दिस टू ये डेटा को ट्रस्ट करिवार आवश्यकता नै फिगर मन रखंतु 90% रो अटेम्प्ट आउ 70-80% रो सॉरी 90% रो एक्यूरेसी आउ 70-95% रो एक्यूरेसी मेंटेन करिवा दरकार जेतु नेगेटिव मार्क्स अछंती ता सहित 70-80% अपन को अटेम्प्ट होबा दरकार प्लीज फॉरगेट अबाउट यू आर इन रिजर्व कैटेगरी यू आर इन अनरिजर्व कैटेगरी जस्ट फॉरगेट अबाउट इट आ द्वारा बहुत किछि डिफरेंस होएनी ता सहित नुवा जिंस होला हमहु 3 वर्ष रो रिलैक्सेशन भी मिलिछि जदि अपन को एज सरपास करि जाउछि ता परे भी अपन 3 वर्ष रो एज रिलैक्सेशन नै पाइबे ये थिला एही जो रिक्रूटमेंट रो इन्फॉर्मेशन अपन को जणि दे गेलो ता परे जदि अपन को आउ किछि जानिबार अछि हमहु कांटेक्ट करि परिबे दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम दिस सेशन थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे